स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है लाइक सीएसआर नेट, गेट, IIT-JAM या IAS ऑप्शनल, तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। यहाँ पे जो IIT-12 यहाँ पे जाके मेरे पुराने वीडियोस अभी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट अभी मैं आपके सामने जो फंक्शन टॉपिक लेके चल रहा हूँ दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के साथ मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाया था। वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ, पर ये समझ से पहले एक बार वो आईटेप में जाके वो वीडियो जरूर देख लें एक बार, सो देट कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, देन ही आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आपको नहीं देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, बट वो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट लिमिट एक्स कोमा y tends to 0, 0 fxy does not exist, या इसको हम लिख दें xy upon x square plus y square does not exist। तो आपको ये प्रूव करना है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देखो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहां पे, जब भी हम लिमिट की बात करेंगे और इस टाइप की क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहां पे हम पाथ लेंगे, क्या लेंगे, पाथ लेंगे, और पाथ वो लेंगे जो इसको यहां पे क्या करे, सेटिस्फाई करे, ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पे 0, 0 ऐसा पाथ लेंगे जो 0, 0 से क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहां प्लस लेंगे, पाथ लेंगे अलॉन्ग, चूंकि यहां पे देखो अल्टीमेटली दो लिमिट है तो किसी एक में हम कन्वर्ट करेंगे यहां पे, तो हम क्या करेंगे अलॉन्ग पाथ y इज इक्वल टू, मैं x ले लेता हूं एक बार, है ना। तो y इज इक्वल टू x लेता हूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे लिमिट, अब चूंकि मैंने y की जगह x ले लिया है ना, तो यहां पे क्या होगा, जहां पर भी y वहां के रखूंगा मैं x, तो ये हो जाएगा x टेंस टू जीरो हो जाएगा, और जहां भी y वहां के रखेंगे हम x स्क्वायर अपॉन यहां पे रखेंगे अपन x स्क्वायर प्लस यहां पे भी क्या आएगा ये x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/2 के बराबर आने वाले, ठीक है। अब मैं एक और पाथ ले लेता हूं, पाथ अलॉन्ग y इज इक्वल टू 2x ले लेता हूं, ठीक है, चूंकि यहां पे ये भी जीरो से पास हो रहा, तो यहां पे भी इसकी लिमिट वही आनी चाहिए, है ना। चेक करते हैं क्या आता है, तो ये हम बात करते हैं लिमिट, ये भी आएगा x टेंस टू जीरो, तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे 2x रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहां पे 2x स्क्वायर, देन यहां 2x, ये तो x स्क्वायर आ ही रहा है, और यहां 2x रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 आ रहा है। पर स्टूडेंट हम जानते हैं लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, पर यहां पे लिमिट 1/2 आ रही है और 2/5 आ रही है, सो लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। या फिर हम कभी कभी कुछ बुक में ऐसा भी दे रखा होता है यहां पे अलॉन्ग पाथ y इज इक्वल टू mx ऐसा भी दिया होता, तो हम क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, जहां पर भी y वहां mx रख देंगे तो यह आएगा आपके पास mx स्क्वायर, और यह आएगा x स्क्वायर प्लस यह आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, स्टूडेंट x स्क्वायर कैंसिल होगा यहां पे, तो 1/m² हम बोलेंगे यहां पे कि इट्स लिमिट्स डिपेंड्स ऑन m, ठीक है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पर डिपेंड्स ऑन m, हर m की वैल्यू के लिए यहां पे अलग अलग वैल्यू आएगी, जबकि लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, सो यहां लिखेंगे हम लिमिट इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे एक और क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपके सामने, सपोज दैट एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज दिस, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा ये, है ना, और जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, जब यहां पे एक्स और वाई पे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो आपको प्रूव कर रहा है पे कि शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स पावर फोर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे देखिए यहां पे, सबसे पहले वही अलॉन्ग क्या करेंगे सॉल्यूशन में हम लोग, सबसे पहले लेंगे अलॉन्ग y इज इक्वल टू एम एक्स ले लीजिए आप, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, नॉर्मली y इज इक्वल टू एम एक्स ही लेंगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू जीरो लेंगे, क्योंकि y को हमने एम एक्स ले लिया तो ये भी x हो जाएगा, तो ऑब्वियसली x और y दोनों किस पे जाएंगे, जीरो पे जाएंगे, राइट। जहां पे y वहां एम एक्स रखेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एम एक्स क्यूब हो जाएगा, बिकॉज एम एक्स रखेंगे तो x एक्स स्क्वायर एम एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। सो x पावर फोर, और ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर।
नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल आ रहा है, तो यहाँ आएगा इसकी वैल्यू लिमिट, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा एम एक्स अपॉन, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस, या एक काम करो एक्स क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल किया, यहाँ वन आ गया और यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा आपके पास एम स्क्वायर बाय एक्स, राइट। तो हम जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, या आप कभी कभी आप एस बेटर है छोड़ो ऐसा मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो एम एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। हम जानते हैं इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो आएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली आपको ये पता लगाना है कि भैया कुछ और भी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और आना चाहिए इस पाथ पे, राइट। मतलब जीरो जीरो जो पास करने वाला पाथ है उसकी वैल्यू जो लिमिट, आपको ये प्रूव करना है कि यूनिक नहीं आ रही, मतलब एक लिमिट इसी की वैल्यू हम चेक करेंगे तो नॉन जीरो आनी चाहिए या कुछ और आनी चाहिए, राइट। तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक होती है स्टूडेंट, ट्रिक समझने की जरूरत है ना। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर x पावर 4 प्लस y स्क्वायर, राइट। तो x पावर प्लस y स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा x पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है सर ये तो माइनस होना चाहिए, अरे भाई ट्रिक बता रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस मतलब जो भी आ रहा इन उसको ले जाके बराबर लिख दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर। तो हम यहाँ पाथ लेंगे अलॉन्ग, क्या लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो जीरो से पास वाला बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे देखो आप, लिमिट x टेंस टू जीरो हो जाएगा, ओके। जहाँ पर भी y है वहाँ पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा x पावर 4 और ये भी आएगा x पावर 4। स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा देखिए आप, लिमिट मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू जीरो तो ये आएगा x पावर 4 और ये आएगा आपके पास 2x पावर 4। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, 1/2 के बराबर आ रही। सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर इज नॉट यूनिक एट 0,0 सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यहां पे क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7/5। आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7/5 के बराबर आएगी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिमिट इस एक्स क्यूब पे लगाएंगे, अलग अलग लगेंगे। तो मैं एक बार इन सबकी वैल्यू निकाल देता हूँ, लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा सॉरी एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 y क्यूब, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स स्क्वायर, राइट, 1,-1,2 एक्स स्क्वायर। देन हम निकालेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 ये आएगा वाई स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट -1 रखेंगे तो -1 आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 8 आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखने वाले, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसा लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 एक्स क्यूब लगेगा, फिर लिमिट एक्स वाई टेंस टू -1,2 लगेगा यहाँ पर। एक्चुअली कंसेप्ट ये होता है कि अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। देन लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या आएगा यहाँ पे, -1,2 एक्स स्क्वायर, देन लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या आएगा यहाँ पे, -1,2 वाई स्क्वायर। स्टूडेंट सबकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स क्यूब की यहाँ पे आएगी -1 प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 8 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 4 आएगा 7/5। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जो आपको क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएगा। नॉर्मली यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ स्टूडेंट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल,
और कंटिन्यूटी आप करोगे तो वहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट लगने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के और भी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। और स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंटेंट पढ़ा है वो आपको हेल्प कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करते रहिए सो देट कि हम आपके लिए इस टाइप का कंटेंट डेवलप करते रहें। और थैंक यू सो मच। और मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक फॉर द इंजीनियरिंग एंड बीएससी स्टूडेंट्स है। जो स्टूडेंट्स एसआर नेट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इनडेप्थ और भी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके लिए, और अलग से सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है आप कंपेयर नहीं करना कि सर यार बहुत आप डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हो, है ना, कंसेप्ट लाइक होता है बच्चे बहुत सारे। तो भैया थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं और उनके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो मैं अलग से एक प्लेलिस्ट अलग से टॉप पूरी एक सीरीज चलाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय, और लाइक करते रहिए, और लास्ट में जो वीडियो आ रही है देखते रहिए, यह मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस है, और यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।